Now see children, this is the ginger. This is what? Stem. Okay, this is included as a stem. See, this is the root which you have here. These things like this, like fibrous, you have roots here. Okay, this is the root and this is the stem. And from here, the leaves will come out. This goes to the soil. This also stays inside the soil, the stem. Stem is also found in the soil. And the the trees grow like this. See, it grows like this. A green part comes out. That is the leaf. Okay. Now you see, this is turmeric. Turmeric means haldi. Did you understand? See, this is also the stem. See, this is turmeric. This will also be inside the soil. ये भी मट्टी के अंदर रहता है, ठीक है? ये स्टेम है, लेकिन अब इसमें से इसके अंदर और भी जड़ रहते हैं, जैसे कि ये देखो, ये जड़ है, ये है, ये जड़ है, ऐसे ऐसे जड़ बहुत सारे रहते हैं. पेड़ मेरे पास है नहीं, दिखाते. और यहाँ पे फिर ये ऐसे करके स्टेम निकलता है इसके अंदर से, और ये पत्ता ऊपर चला जाता है, और ये पूरा पोर्शन मट्टी के अंदर, ठीक है? आलू का भी वही है. आलू अंदर मिलेगा मट्टी के अंदर, और वो भी स्टेम है. तो व्हाट आर द स्टेम्स? स्टेम है शुगरकेन, जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक. दिस इज टर्मरिक, हल्दी. डिड यू अंडरस्टैंड? सी, दिस इज टर्मरिक. आर यू सीइंग दिस कलर? टर्मरिक कलर, हलू द्रोंग, देखो, दिस इज टर्मरिक. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश, दे आर रूट्स, रूट वेजिटेबल. ये लोग हैं जड़, इस जड़ को हम लोग खाते हैं, ठीक है? दे आर जड़ एंड दीज आर स्टेम्स, ठीक है? दीज आर स्टेम वेजिटेबल्स एंड दोज आर रूट. नाउ वील टॉक अबाउट द लीफ. आई टोल्ड यू द लीफ, वॉट डू द लीव्स डू? द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट, दैट एवरी वन नोज. वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस लीफ? লিফ সম্বন্ধে আমি বললাম, এটা কি করে? খাবারটা তৈরি করে. দিস ইজ দ্য কিচেন অফ দ্য প্লান্ট, এই রান্নাঘর এটা, এখানেই খাবারটা তৈরি হয়. হোয়াট হ্যাপেন্স, হাউ ডাজ দ্য ফুড টেক্স প্লেস? দ্যাট ইজ এই দিস স্টেম ব্রিংস ওয়াটার, ইসে পানি আতা হ্যায়, জড় কে জরিয়ে পানি আতা হ্যায়. ইট গোজ টু দ্য স্টেম অ্যান্ড ইট কমস টু দ্য লিফ স্টেম, ফির ইয়াহাঁ সে ইট কমস টু দ্য मेन वेन. वेन दिस इज, वेन मीन्स नस जैसा होता है, देखो ये बीच वाला. एट दिस वन सप्लाइज टू द साइड वेन्स. सी, दिस इज द साइड वेन्स. आई शोड यू ऑल इन दिस, इट इज़ क्लियरली सीन. सी द साइड वेन्स, ओके, इट इज सप्लाइड देर. एंड देर इज स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन द लीव्स विच इज कॉल्ड टोमैटो. दिस टोमैटो टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ये खींच लेता है. पत्ता जो छेद होता है उसके जरिए हवा घुसता है, और यहाँ पे पानी मेन वेन में आता है, और साइड में पतला पतला सुई जैसा वेन्स है, देखना, पत्ता उठाकर कहीं से, और वो उसको पानी सप्लाई करता है, और सूरज का रोशनी से खाना तैयार होता है. फिर खाना तैयार होके फिर से वापस ये मेन स्टेम में, जैसे पानी आया था वैसे ही इसमें आएगा, और फिर वो ये स्टेम में जाएगा, पत्ते में जाएंगे, पत्ते तो खाना तैयार कर ही रहे हैं, फिर अगर इसमें कली है, कली में जाएगा, फूल में जाएगा, फल में जाएगा, और ये जड़ को भी देगा कुछ खाना. इस तरीके से खाना वापस फिर स्टेम के जरिए आता है. ओके, वाटर ट्रैवल्स अप फ्रॉम द रूट्स एंड रीचेस टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. लीव्स हैव सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर. ये जो ग्रीन कलर लीव्स का देख रहे हैं, ये पत्ता देखो, दिस ग्रीन कलर, दिस इज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स. ये सब्सटेंस जो ग्रीन कलर है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. इन ग्रीन कलर गिव्स द लीव्स इट्स कलर, इट ऑब्जर्व्स द सनलाइट. इसका काम क्या है? सनलाइट को खींचना. क्लोरोफिल सनलाइट को खींचता है. जैसे टमाटर को क्या काम है? हवा को खींच के कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से लेना. और ये वेन का क्या काम है? मेन वेन्स जो है इसका काम है पानी सप्लाई करना. और ये क्लोरोफिल का काम है, ये क्लोरोफिल का काम है सूरज का रोशनी को
अपने अंदर लेना ताकि खाना अच्छे से बन सके। हर किसी का एक एक काम है। ओके, सवार एक एक काज थके, एक क्लोरोफिल्टा सूर्य आलोटा ने स्टोमाटाटा एखे छोटो छोटो गर्त जेटा थाके ओटा की करे कार्बन डाइऑक्साइड ने हावा थी के और ये वेन्स गुलो आछे एटा जल ने। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर जेटा आछे एटा ना थाकले सनलाइट ना थाकले देयर बी नो फूड, खाना नहीं बनेगा। जैसे कि हम लोग आग का इस्तेमाल करते हैं, अगर आग नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, उसी तरीके से सनलाइट नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। और सनलाइट कैसे लेगा, ये क्लोरोफिल रहने से ही सनलाइट खींच सकता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल नहीं है तो नो सनलाइट, आगुन नहीं तो कराना नहीं। ओके, नाउ व्हाइल मेकिंग फूड द लीव्स गिव आउट गैस ऑक्सीजन। व्हेन दे आर मेकिंग फूड, जब खाना तैयार हो रहा है तो ये जब खाना तैयार करने के पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जब खाना तैयार हो रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, एक गैस निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद ऑक्सीजन एंड स्टे अलाइव। और ये ऑक्सीजन किसके काम में आता है, इंसान के काम में और जानवर के काम में। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो जिंदे हैं उनके काम में आता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ के काम में आता है। द फूड मेड बाय द लीव्स इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। सम ऑफ द फूड इज़ यूज्ड अप बाय द प्लांट। जो खाना हम लोग तैयार पेड़ तैयार कर रहा है वो स्टेम के जरिए पूरा पेड़ में पहुंचाया जाता है। ओके, एक घोड़ा दिए सब खबरटा सबाई के कोना कोना तक पहुँचे दे। और सम ऑफ द फूड किचु किचु खबर एटे यूज करे और जे खबरटा थेके जाए ओटा वो स्टोर करे दे। स्टोर माने जे रकम आमरा फ्रिजे रेखे दी ओई रकम ओरा रेखे दे। कौन कौन सा कहाँ पे स्टोर होता है, फ्रूट्स रूट्स स्टेम एंड सीड्स। फल में होता है स्टोरिंग, रूट्स में होता है जड़ में, स्टेम में होता है और सीड्स में होता है। सीड्स हम लोग क्या खाते हैं, दाल और राजमा ये सब खाते हैं ना, दैट इज़ सीड्स। उसमें वो खाना उन लोगों का जो स्टोरिंग होता है वो हम लोग खाते हैं। स्टेम्स जैसे कि शुगर केन और जिंजर, अभी हम बताएं जिंजर पोटैटो, उन लोगों का प्लांट अपना खाना तैयार करके उसमें डालता है और इंसान लोग उसको खा जाते हैं। ठीक है, गाछगुलो की करे निजे खाबरटा तैरी करे कार मध्ये राखे, रूट्स मध्ये राखे, स्टेम मध्ये गोड़ा मध्ये राखे, स्टेम राखे, सीड्स बीजगुलो मध्ये राखे, फल मध्ये राखे। आमरा की करी मानुषरा ओटाई खाई, केन ओटा होच्छे खूब शक्ति, गाचेर खाबरटा आमरा खेये नी। इन सम प्लांट्स सच एज द ऑनियन एंड गार्लिक द फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स। कुछ पेड़ में जो ऑनियंस है और गार्लिक्स है, फूड इज स्टोर्ड इन देयर लीव्स, उन लोगों के पत्ता में खाना स्टोरिंग होता है। ठीक है, तो वो ही पाताटा हमारा खेले ए प्याजेर पाता कलीगुलो आसे ना, दैट इज़ वेरी गुड, वोटा खावर खेते भालो शक्ति दे। एंड गार्लिक्स ऑल्सो द लीव्स आर वेरी गुड, वी हैव टू ईट दैट वेर एवर द थिंग इज स्टोर्ड। नाउ लेट मी कम बैक चिल्ड्रन, और लेट मी फिनिश दिस। Plants do not make food at night. Plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide during the day and night. Plants do not make food. ये खाना रात के समय नहीं बनाता है क्योंकि रात के समय तो सूरज नहीं होता है, सूर्य आलोटा वो पावे ना, तार जो ने रात्रि पहला वो रन्ना कोड़े ना, रात को वो खाना नहीं बनाता है पेड़। Plants breathe in oxygen. Plants क्या करता है, क्या ब्रीथ करता है, ऑक्सीजन ब्रीथ करता है। Plants breathe in oxygen. Night. Plants do not make food at night. Plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide during the day and at night. What is this? What are they talking rubbish? Plants do not make food at night. Okay, correct. Plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide during the day and at night. This is somewhere is something is wrong because plants breathe in, they take in carbon dioxide and breathe out oxygen during the day and at night. Okay, now flowers, fruits and seeds. Okay, now I'm going to come to flowers, fruits and seeds. Thank you.